सीनियर कानूनदान एतजाज एहसन से चौधरी परवेज इलाही की लीगल टीम की मुलाकात। एतजाज एहसन चौधरी परवेज इलाही की फैमिली से भी मिले। मुबीन हैदर से मजीद जानते हैं। जी मुबीन हैदर, इस हवाले से अपडेट कीजिए। बिल्कुल इसी तरह से है कि जहूर इलाही रोड पे घर पे रोड पे वाकया परवेज इलाही घर में अभी कुछ देर पहले एतजाज एहसन सीनियर कानूनदान ने तशरीफ लाया, उन्होंने उनके अहले खाना के साथ मुलाकात की और मुलाकात के बाद जो बात उन्होंने मीडिया टॉकिस पर उन्होंने बात करते हुए कहा कि जो रात को वाकया पेश आया जो अहले खाना के साथ जो किया गया उसके सख्त अल्फाज में मजम्मत करता हूँ। उन्होंने कहना था कि इस तरह के वाकयात जो है ये इमिग्रान सेटअप के अंदर होना बिल्कुल तशवीशनाक है और ये एक बिल्कुल ही गलत रवायत है। उन्होंने कहा कि जो इमरान खान इस्लामाबाद गए थे तब उनके घर का गेट तोड़ा गया और कल रात को जो है बख्तरबंद गाड़ी के जरिए घर का गेट तोड़ा गया, तो ये बिल्कुल एक नामुनासिब सी बात है। किसी के घर की चार दीवारी और चार दर का जो है तकद्दस का अमाल करके अंदर जाया जाए। जब उनको उनसे सवाल पूछा मैंने कि मैंने पूछा कि सर वारंट गिरफ्तारी को नहीं, तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल बगैर वारंट गिरफ्तारी के यहाँ पर आना और इस केस के अंदर गिरफ्तारी करना जिस पर हाईकोर्ट ने जमानत अनाउंस कर दी हो इस पर बिल्कुल हद तक कोर्ट का जो लगता है कोर्ट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का यहाँ पर लगेगा, सेक्शन दफात लगेंगे, जितने भी अफसरान कार्रवाई में शामिल थे तमाम जो है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के जमरे में गिने जाएंगे, बहुत सख्त उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। क्योंकि कहना था कि हाईकोर्ट का ये अनाउंस कर देना ही बहुत होता है कि जमानत हो चुकी है रिटर्न में दिया जाए या ना दिया जाए, हाईकोर्ट का अनाउंस कर देना ही इस बात का दलील काफी होती है कि जमानत हो चुकी है। उनका कहना था कि हाईकोर्ट ऑर्डर कर दे उसके बाद लिखना जरूरी नहीं, तो हाईकोर्ट को ऑर्डर करना ही इस बात से काफी। उनको मजीद कहना था कि तमाम के खिलाफ कार्रवाई की जाने चाहिए। उनका उन्होंने ये भी बात करते हुए कहा कि इस तरह के जो वाकयात किए जा रहे हैं इनसे मुल्क के हालात जो है मजीद खराब होंगे, लोग मजीद मुंतशर होंगे और अपोजिशन और हुकूमत की जो हामी पार्टियां हैं वो मजीद अपना ग्राफ पीछे करेंगे, लोगों के दिलों में जो है अपने खिलाफ मजीद जो है नफरत को वो उभार देंगी। जी मुबीन, एक बात तो ये बताइएगा, क्या एतजाज एहसन जाती हैसियत में यहाँ पहुँचे या पीपल्स पार्टी के रहनुमा के तौर पर यहाँ पहुँचे? और दूसरी बात ये भी बताइएगा कि जब इससे पहले पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं की जानिब से बयान दिए गए तो उनकी रुकनीत मनसूख कर दी गई, एतजाज एहसन की इन सब बातों के बाद पीपल्स पार्टी की जानिब से कोई रद्दअमल सामने आया? बिल्कुल जाती है सीएस में, क्योंकि आप जानते हैं बहुत सीनियर कानूनदान है, उनके पुराने रवाबित हैं तमाम सियासतदानों की फैमिलीज के साथ, तो बिल्कुल जाती है सीएस में यहाँ पर आए थे और उनके यहाँ पर आना एक बिल्कुल उन्होंने हमदर्दी के इजहार किया। उन्होंने कहा कि मैं जाती है सीएस में यहाँ पर हमदर्दी के तौर पर मौजूद हूँ, हमदर्दी के तौर पर और मुजम्मत शदीद मुजम्मत करता हूँ ये जिससे भी जिसकी जानब से भी किया गया हुकूमत की तरफ से निगरान सेटअप की तरफ से जिसकी तरफ से किया गया सख्त मुजम्मत की जानी चाहिए, इसके इस तरह की जो एक्ट है किसी सूरत भी जो है काबिले कबूल नहीं है। और जहां तक आपने पीपल्स पार्टी की बात की तो पीपल्स पार्टी की जानब से फिलहाल कोई रवैया सामने नहीं है। आपने गुज़िश्ता कुछ अदवार में देखा कि एतजाज एहसन जो है जमान पार्क भी गए, उन्होंने इमरान खान से मुलाकातें की, उसके ऊपर भी जो है पीपल्स पार्टी खामोश दिखाई देती थी इस वक्त। ठीक है मुबीन, बहुत शुक्रिया, आप अपडेट कर रहे थे।